मर्जीने ट्रीप वाढवत आहेत, काहीही करत आहेत स्वतःच्या मर्जीने ते, आणि हुकुमशाही करून ठेवले ते हिटलर आहेत, हिटलर हिटलर सारखे वागतायत कामगारांशी ते, समजलं का? हे हिटलरचं जीवन आहे ते, समजलं? हे हिटलरचं जीवन आहे, हिटलरचं म्हणून मी आत्महत्या करतोय आता तुमच्या समोर. माझ्या मृत्यूचा कारण, प्लीज यार, माझ्या मृत्यूचा कारण नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज़ लाइव. आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर. दोस्तों, एक बेहद चौंकाने वाली और बुरी खबर वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र से आज सामने आई है, जहां आज दोपहर में वसई विरार महानगर पालिका परिवहन सेवा के एक कर्मचारी ने कार्यालय के बाहर जहर पीकर खुद की जान देने की कोशिश की है. आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो उसी घटना का है जिसमें आप साफ देख सकते हैं किस तरह से ये युवक जहर पी रहा है. लेकिन इसके जहर पीने के पीछे के कारण जो इसने एक वीडियो जारी करके बताया है वो काफी चौंकाने वाला है. दरअसल इसका आरोप है कि ये परिवहन सेवा के संचालक जिनका नाम शेरे कर रहे हैं, वो कर्मचारियों को काफी तंग करते हैं और इन्हें काफी तंग किया हुआ है. इनको हाल ही में काम से निकाले जाने का नोटिस तक उन्होंने दिया था. इस शख्स ने पिछले दिनों हुई कर्मचारियों की हड़ताल में उनका सहयोग किया था, सपोर्ट किया था, और उसी की सजा इसको मिलने जा रही थी. इसको काम से निकाले जाने का नोटिस दिया गया था. इसी से परेशान होकर इस शख्स ने इस तरह का कदम उठाया. इसने साफ साफ आरोप लगाया कि अगर मुझे कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार यहां के संस्थापक यहां के संचालक शेरेकर रहेंगे. आपको बता दें, वसई विरार महानगर पालिका की परिवहन सेवा कई बार विवादों से घिरी रही है. शुरू में जब महानगर पालिका परिवहन सेवा की शुरुआत हुई थी तब भागीरथी ट्रांसपोर्ट कंपनी को इस परिवहन सेवा को चलाए जाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था. कई सालों तक भागीरथी ट्रांसपोर्ट कंपनी ने वो चलाया और उसी दरमियान भागीरथी ट्रांसपोर्ट कंपनी का शासन के ऊपर कई करोड़ों का टैक्स बकाया था. बाद में कोविड के समय में भागीरथी ट्रांसपोर्ट कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए कि हम ये सेवा नहीं चला सकते हैं. इसके लिए तत्कालीन आयुक्त गंगाधरन डी ने वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया था और उसके बाद भी भागीरथी ट्रांसपोर्ट का पैसा, आज भी शासन का पैसा भागीरथी ट्रांसपोर्ट में लेना बाकी है. और उसी लिए भागीरथी ट्रांसपोर्ट ने अपनी लाई हुई बसें वसई विरार से आज भी नहीं लेकर गए. वो आज भी वो बसें सड़ रही है और वो पैसा आज भी नहीं भरा गया है. खैर, जब भागीरथी का ये सब मामला हुआ था तब भागीरथी से वो कॉन्ट्रैक्ट छीना गया था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट अभी की जो कंपनी है SNN उसको दिया गया था और SNN के जो संस्थापक है उन्होंने, ये जो संचालक है शेरेकर, इनके ऊपर आरोप लगाया कि इन्होंने कर्मचारी को परेशान किया और उसी बात से तंग आकर इस कर्मचारी ने ये कदम उठाया. आपको मालूम होगा पिछले समय में भावोला का एक बस स्टॉप चोरी हुआ था और उस समय मैंने खुद उस मामले को रिपोर्ट किया था, मैंने खुद उसकी शिकायत की थी. तब भी इन्हीं शेरेकर ने जानबूझकर किसी तरह की कार्यवाही उस संबंधित पक्ष के ऊपर नहीं की थी, न कोई मामला दर्ज करवाया था और न ही. तो कहीं न कहीं शेरेकर की कार्य प्रणाली पर यहां सवाल जरूर उठ रहे हैं. अब आज इतना बड़ा मामला होने के बाद में ये मामला कहां तक जाएगा ये देखना होगा. और इस मामले में वसई विरार महानगर पालिका हालांकि सीधे तौर पर संबंधित नहीं है, क्योंकि जो कर्मचारी है वो SNN कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के कर्मचारी है. लेकिन तब भी ये कर्मचारी महानगर पालिका के सार्वजनिक उपक्रम में ये कर्मचारी है. तो आज इस कर्मचारी ने ये कदम उठाया, उसके बाद में अब देखा जाएगा कि आगे किस तरह से इस मामले पर कार्यवाही होती है. आज के लिए अभी के लिए इतना ही, नमस्कार. चेक कशा करता आम्हाला कळावं, कमीत कमी त्यांनी गाडी चेक केली कुठली केली त्यासाठी लिहायला, कोणाचे पैसे कापलेले नाही, एक रुपया कोणाचा कापलेला नाही, कापणार नाही 100%. हे अजून कुणाला काय विचार आहे का? विचार आहे. मगाशी माझ्याकडे 4-5 जण आलेले, त्यांना तेच सांगितलं. अजून कुठल्या कंडक्टरला काय विचारायचं आहे? विचारायचं आहे का? विचारायचं काय विषय आहे का तुमचा? काय अरे बोला ना आता, का मुखाल्ल का बोला काय तुम्हाला हे ते
नाही मगाशी आलेली मी तेव्हा पण तेच सांगितलं पैसे ही बघा ही माझी आता नोटीस काढलेली आहे कामावरून काढण्याची आम्ही प्रत्येक टायमाला तुमच्या पाठीशी उभा राहतो ना त्याची सजा आहे मला तुमच्या पाठीशी कामगार लोकांच्या पाठीशी उभा राहतो आणि खरोखर हे डेपू मॅनेजर आहेत ना शेरेकर त्यांना अक्षरशः मी वैतागलोय आता आणि सर्व कामगार वैतागले माझ्या जीवाचं काही बरं वाईट झालं ना ते हे डेपू मॅनेजर शेरेकर साहेब आहेत ना ते जबाबदार असतील एवढं लक्षात ठेवा तुम्ही डेपू मॅनेजर कारण त्यांचं जामच आती चाललंय अरे एवढे आती गरीब कर्मचाऱ्यांची पिलवणूक करतायत ते स्वतःच्या मर्जीने ट्रीप वाढवतायत काहीही करतायत स्वतःच्या मर्जीने ते आणि हुकुमशाही करून ठेवले ते हिटलर आहेत हिटलर हिटलर सारखे वागतायत कामगारांशी ते समजलं काय हे हिटलरचं जीवन आहे ते समजलं हे हिटलरचं जीवन आहे हिटलरचं म्हणून मी आत्महत्या करतोय आता तुमच्या समोर माझ्या मृत्यूचा कारण प्लीज यार माझ्या मृत्यूचं कारण डेपू मॅनेजर शेरेकर असणार माझ्या मृत्यूचं कारण समजलं का त्यांनी तीन अडीच तीन वर्ष झलतो फक्त तो कर्मचाऱ्यांना असं जीवन नाही ना जगण्यापेक्षा अरे नाही पाणी पी थोडासा अरे असं असं का असं कशाला सांगायचं पहिला त्याच्यावरती गुन्हा दाखल करायचा वाले पोलीस त्याला गुन्हा दाखल करा त्याच्यावरती नाही नाही मला हे असं जीवन जगायचंच नाही आहे ते नाही मला जायचंच नाही आहे माझी बँक हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।